वेलकम बैक गाइस, आज मैं आपको मिथर्जन टैबलेट्स के बारे में जानकारी दूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिथर्जन टैबलेट का यूज़ मेडिकल की किन किन कंडीशन में होता है, लेने का तरीका क्या रहता है, डोज क्या रहती है, ये शरीर में वर्क कैसे करती है, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और लेने से पहले या लेने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिथर्जन का इंट्रो खत्म कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, ये 10 टैबलेट की स्टिप होती है। MRP यहां पर आप देख सकते हो, बट ये आपको इजीली 80 रुपीस की मिल जाती है। क्योंकि ये शेड्यूल सी कैटेगरी की मेडिसिन है, इसलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है इसको परचेज करने के लिए। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जो साल्ट है, वो है मेथाइल आर्गोमेट्रिन। और मेथाइल आर्गोमेट्रिन को मेथाइल आर्गोनोविन भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपको 0.125 mg में मिलता है। आगे बात करते हैं कि शरीर में काम कैसे करती है, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है। तो जो मेथाइल आर्गोमेट्रिन है, ये एक टाइप का यूट्रोटोनिक ड्रग है। यूट्रोटोनिक ड्रग का मतलब है कि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है। मतलब जब आप इन टैबलेट्स को खाते हो तो 10 मिनट के बाद ये टैबलेट्स अपना रिजल्ट दिखाने लगती है और यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है, जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, उसमें ये अपना इफेक्ट दिखाती है। और यूट्रस, मान लीजिए कि ये यूट्रस है, तो ये यूट्रस में सकुड़न पैदा करती है, कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करती है। तो अब बात निकल कर आती है कि हम इन टैबलेट्स को यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस, सकुड़न पैदा करने के लिए क्यों देते हैं। तो देखिए, जब किसी महिला को प्रेगनेंसी रुकती है तो जो बच्चा है वो यूट्रस, मतलब बच्चेदानी में धीरे धीरे बड़ा होता है। अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वैसे बच्चेदानी का साइज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बच्चे को बड़ा होने के लिए जो भी खाना पीना चाहिए वो मदर की ब्लड सप्लाई से मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बच्चे की गर्भनाल होती है, जो एम्ब्लाइकल कोड है, उसके एक सिरे पर बच्चा होता है और दूसरी साइड पर प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है, ये बच्चेदानी है। प्लेसेंटा इस बच्चेदानी की परत के साथ यूँ चिपका होता है। ठीक है, अगर हम लोग प्लेसेंटा को अंदर से देखते हैं तो एक तरफ मदर की ब्लड सप्लाई होती है ऐसे, और दूसरी तरफ बच्चे की ब्लड सप्लाई होती है, और ये दोनों ऐसे अटैच होते हैं। इसको लैकुनर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब जब प्रेगनेंसी धीरे धीरे अपना विकास कर रही है, वैसे वैसे जो प्लेसेंटा है उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखोगे कि आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा बाहर आता है तो प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर निकलता है, और जो ये लैकुनर सिस्टम है, इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्तवाहिकाएं हैं, एक साइड से उखड़ जाती हैं। क्योंकि प्लेसेंटा के साथ की जो रक्तवाहिकाएं थी, ब्लड वेसल्स थी, वो तो चली जाती हैं, और ये जाती नहीं हैं, ये उखड़ती हैं। ठीक है, और उखड़ने के बाद ये जो मदर की ब्लड सप्लाई रह जाती हैं, ये ओपन होती है, यहाँ से ब्लड लगातार निकल रहा होता है। ठीक है, अब इस ब्लड को स्टॉप करने के लिए जो मदर का बॉडी सिस्टम है वो क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब यूट्रस को सिकोड़ना स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज छोटा होता है, वैसे वैसे जो ये ब्लड सप्लाई है, इसका जो मुंह ओपन था वो भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे फिर जो खून आना है वो बंद हो जाता है। तो हम लोग मिथर्जन टैबलेट्स को ऐसी कंडीशन में देते हैं जहां पर बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, इसे यूट्रो अटोनी कहते हैं। जहां पर बच्चेदानी का साइज या तो बहुत टाइम लग रहा है उसको नॉर्मल साइज में आने में, या फिर हो ही नहीं रहा है, या फिर अगर किसी को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर के कारण जो ब्लीडिंग है वो अंदर यूट्रस में इकट्ठी होने लगती है और उसके क्लोट बनने लगते हैं। तो अगर बच्चेदानी खुद को नॉर्मल शेप में लाने का ट्राई भी करती है तो वो आता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मिथर्जन टैबलेट्स को देते हैं ताकि बच्चेदानी नॉर्मल शेप में आ जाए। अब दूसरी बात होती है कि ये तो थी नॉर्मल डिलीवरी की बात, लेकिन कुछ अलग कंडीशंस भी होती हैं, जैसे नेचुरल मिसकैरेज, या फिर अगर आपने दवाइयों के माध्यम से अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म किया है, जैसे अनवांटेड किट ली है, या फिर मैफेजेस्ट किट ली है, या फिर खुशी MTP किट, या कोई भी MTP किट ली है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो तो ख़त्म हो गई, उसके सारे प्रोडक्ट्स जो कंसेप्शन प्रोडक्ट्स थे वो यूट्रस से बाहर निकल गए, लेकिन स्टिल आपको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है,
या फिर आपने डीएनसी कराई है या डीएनई कराई है, मतलब सर्जिकल अबॉर्शन कराया है, और उसमें जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स थे यूट्रस में वो सारे डॉक्टर ने निकाल दिए, बट स्टिल आपको ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स पास आउट हो रहे हैं, तो हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि भाई आपका जो यूट्रस है वहाँ से ही ब्लीड हो रहा है, तो यूट्रस को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिथर्जन टैबलेट देते हैं, ताकि क्या हो, जो ब्लड वेसल्स जो ओपन है वो कॉन्ट्रैक्ट होके बंद हो जाए और आपको ब्लीडिंग आना बंद हो जाए। दूसरी बात कि जो यूट्रस में अगर कोई ब्लड क्लॉट रह गया है तो वो भी निकल जाए। बट दूसरी तरफ कई बारी लोग क्या करते हैं कि इसको प्रेगनेंसी के समय यूज़ करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई इन टैबलेट्स को यूज़ करने से, मतलब मिथर्जन टैबलेट्स को यूज़ करने से प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन टैबलेट्स का यूज़ प्रेगनेंसी के समय नहीं करना होता, और अभी मैंने आपको बताया कि ये शेड्यूल सी कैटेगरी की मेडिसिन है, मतलब ये प्रेगनेंसी के समय टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इनको नहीं लेना होता। अगर आप लेते भी हो तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कोज करेगी और जो लेने वाला पर्सन है उसको एब्डोमन पेन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस कोज करती है यूट्रस में, सकुड़न पैदा करती है लगातार, और ये घंटों तक का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट रह गया है, कंसेप्शन प्रोडक्ट है, तो भी मिथर्जन को लेना यूज़फुल नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपकी प्रेगनेंसी क्लियर है, स्टिल आपके यूट्रस के अंदर ब्लड क्लॉट रह गए हैं या ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी लंबे समय से, तब आप मिथर्जन टैबलेट्स को ले सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी डोज क्या रहती है, कितने दिन लेनी होती है, कैसे लेनी होती है, कब लेनी होती है। तो ये जो टैबलेट है ये दिन में 3 बार लेनी होती है, खाना खाने के बाद लेनी होती है, पानी के साथ लेनी होती है, और यूजली जो इसका कोर्स है वो 5 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी ये 7 दिन भी डॉक्टर आपको देते हैं जब आपको ब्लीडिंग नहीं रुकती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन टैबलेट्स को लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यूजली इन टैबलेट्स को लेने से पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, क्योंकि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कोज कर रही है, सकुड़न पैदा कर रही है, तो जब यूट्रस का साइज नॉर्मल होता है तब पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इन टैबलेट्स का वर्क ही है। दूसरा कि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं तब आपको उल्टी जीकच्चा हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। इसके साथ आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है इन टैबलेट्स के ड्यूरिंग, तो जैसे ही आप इन टैबलेट्स का कोर्स पूरा करते हो तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा इन टैबलेट से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है और आपका हेडेक हो सकता है इन टैबलेट्स को लेने से, तो जैसे ही आप इन टैबलेट्स का कोर्स पूरा करते हो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को इन टैबलेट्स को नहीं लेना होता और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मतलब ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, तब आपको इन टैबलेट्स को नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है तब भी आपको इन टैबलेट्स को नहीं लेना है। अगर आपको किसी टाइप की हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या फिर किसी टाइप की भी आपको दिल की बीमारी है, तब भी आपको इन टैबलेट्स को नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपको लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ है, तब भी आपको इन टैबलेट्स को नहीं लेना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, या फिर अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब भी आपको इन टैबलेट्स को नहीं लेना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मिथर्जन टैबलेट्स के ऊपर। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रहती होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।